राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो है हम लोग महाराष्ट्र की ओर झुक जाते हैं। छगन भुजबल जी एक काफी दिग्गज नेता है एनसीपी के, वापस क्या जेल में जाना पड़ सकता है उन्हें? इसी चैनल के माध्यम से हमने भविष्यवाणी की थी पहले एक बार आपने की थी। जी हाँ कि छगन भुजबल इतनी तारीख तक जेल से जा सकते हैं, जी हाँ और जब वो आने की भविष्यवाणी की थी तो भी हमने बोला था कि और तभी वो बाहर भी आ गए। तभी वो बाहर भी आ गए, प्रभु कृपा रही। मगर अब छगन भुजबल साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 15/10/1947 उनका जन्मदिन है और तुला राशि और स्वाति नक्षत्र है। जी हाँ तुला राशि के ऊपर साढ़े सती खत्म हो चुकी है मित्रों, और इस वक्त उनकी केतु की महादशा चल रही है। केतु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। डेफिनेटली छगन भुजबल जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह जेल जाते हुए दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट इस वक्त अगर मैं उनकी कुंडली का बहुत गहनता से अध्ययन करने के बाद आपको बोलूं तो इलेक्शन लड़ने के बाद जीतते हुए दिखाई देते हैं, और पॉसिबल है आगे आने वाले दिनों में अगर एनसीपी की सरकार बनती है तो पुनः मंत्री बनते हुए दिखाई देते क्या हैं। बात है। यहां पर छगन भुजबल साहब को एक बहुत ही बड़ी ताकीद करता हूं मैं, उनकी हेल्थ के बारे में, कि उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने को, कौन डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और उन पहले भी मैंने बोला था शत्रुनाशक पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत शत्रु बहुत है। कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में भी उनके शत्रु हैं, और एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के बहुत बड़े ज्येष्ठ नेता हैं। शरद पवार साहब को उन दिनों उन्होंने साथ दिया जब शरद पवार साहब ने एनसीपी अभी खड़ी की थी, तो ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब हम फहरिस्त बनाते हैं तो शरद पवार के बाद में अजीत पवार, अजीत पवार के बाद में सुप्रिया सुले, और उसके बाद अगर किसी दिग्गज नेता का नाम आता है तो वो डेफिनेटली पहले छगन भुजबल छगन है। भुजबल जी का है। हाँ, दिलीप बलसे पाटिल हैं, उदयन सिंह राजे भोसले हैं, डेफिनेटली छगन भुजबल एक प्रथम श्रेणी में आते हुए नेता हैं। उनको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको पुनः कहीं ना कहीं कारावास के योग बनते हैं।